अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। चुनावी प्रचार की तुकबंदी के बीच जुबानी जंग भी जारी है। मेरठ शहर विधानसभा के प्रत्याशियों में यह जंग आक्रामक स्तर पर है। मौजूदा विधायक रफीक अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हिंदू गर्दी एक नया शब्द ही इजाद कर दिखाया, तो कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा ने कहा कि वह कमल दत्त शर्मा की कब्र खोद चुके हैं, बस मिट्टी आप लोगों को डालना है। आज फर्स्ट बाइट ने रंजन शर्मा से उनके इस विवादित बयान पर सीधा सवाल किया। आप खुद देखिए व सुनिए क्या कहा रंजन शर्मा। कब्र तो खोद दी है, मिट्टी डालना पड़ेगा। देखिए चुनाव में जो है कई तरह की बातें उठती हैं। मैंने तो हराने की बात करी, हराने का काम किया है और मैं सभी वर्गों में वोट मांगने जा रहा हूं। और मैं तो सिर्फ वोट मांगने के लिए ऐसी बात है कोई, ऐसा कोई वो नहीं है। कोई आदमी इसे गलत वो ना ले, हम जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम सेकुलर छवि के आदमी हैं, सभी वर्ग की राजनीति करते हैं, सारी जनता भरपूर समर्थन कर रही है, भरपूर तरीके से चुनाव लड़ा रही है। ये चुनाव मेरा नहीं, जनता का चुनाव है, पब्लिक का ही टिकट है, पब्लिक डिमांड का टिकट हुआ है। हाई कमान ने कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जिसे पब्लिक चाहती थी। देखिए जी, मैं जनता के बीच का आदमी हूँ, जनता के बीच में रहकर काम करता हूँ और कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता मेरे पास आए और मैं उसके साथ खड़ा ना हूँ। आधी रात तो लोग बाग सब कहते हैं, मैं 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ और मैं अपने काम पर वोट मांग रहा हूँ। अगर मैंने काम किया जनता मुझे वोट दे। और मैं ये आपको एक बार आश्वस्त करा देना चाहता हूँ, जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है, आने वाली 10 तारीख ये बात लिख देगी कि चुनाव हम जीत रहे हैं। जनता के जितने भी जनहित के जितने भी मुद्दे हैं सारे हमारे हैं, सभी हमारे मैनिफेस्टो में हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो रोजगार का हो, बेरोजगारी का हो, और किसी भी शिक्षा का हो, महिला को सशक्त करने का हो, जितने भी मुद्दे सब हमारे हैं। प्रमुखता ये है कि जो हमारे शहर है, शहर बिल्कुल जो है गड्ढा युक्त हो चुका है। आप जहाँ भी जाएंगे गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, चुनाव में हम चला ही नहीं पा रहे हैं, पैदल पैदल जनसंपर्क कर रहा हूँ, पूरा शहर पैदल पैदल ही चल रहा हूँ मैं। जहाँ भी जाता हूँ गाड़ी एक आध किलोमीटर चलती है वहीं रुक जाती है। उधर जब रंजन की इस साफगोई पर कमल दत्त शर्मा से फर्स्ट बाइट ने बात की तो उन्होंने यह जवाब दिया, देखिए। बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा संगठन हमारा लगा हुआ है और सब घरों में संपर्क हो रहा है। शहर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्होंने कब्र खोदने की एक बात कही है, उनका बयान भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं क्या कहूँ भाई, उस पर तो जनता जवाब देगी, उन्हें मुझे उसमें क्या कहना है। हर आदमी का अपना अपना विवेक है कि वो क्या कहता है, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, उसके बारे में जनता अपना विचार कर रही है। असलियत में वो जो सपा के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव से बाहर हैं, वो चुनाव के अंदर नहीं है। उन्हीं के संप्रदाय के लोगों ने उनको वोट ना देने का मन बना लिया है और वो मुस्लिम समाज के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, इससे वो बौखला गए हैं और वो इस तरह के शब्द बोल रहे हैं कि जिससे यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति हो। लेकिन अब की बार सब लोगों ने कह दिया है कि जब वो उनके पास काम के लिए जाते थे तो वो ऊपर कबूतर उड़ाते हुए मिलते थे और वो काम के लिए नीचे भी नहीं आते थे, लोग मायूस होकर उनके घर से वापस आ जाते थे। वोट मुस्लिम समाज भी उसे कर रहा है जिसने उनके चेहरे की मायूसी को उड़ाया हो, ना कि जिसने कबूतर उड़ाए हों। ये समाज में राजनीति की एक सीमा होती है। आपको हमारा जो संस्कार है, हमारे हिंदुस्तान के जो कल्चर है, उसकी एक सीमा को लोकतंत्र में ध्यान रखना चाहिए। सीमा को तोड़ना, एक जनता के बीच में इस तरह के विचार जाते हैं कि ये जो प्रत्याशी खड़े हैं ये किस स्तर के हैं, जनता उनका असेसमेंट कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।